राम राम जी, कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो इस तरीके की पोलोथीन अगर आपके पास है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर जैसे मैं इसे फोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, इस तरीके से। बस नीचे से हमें 2 इंच या 3 इंच के करीब हमें नीचे से पोलोथीन का जो बेस है वो छोड़ देना है, बाकी हमें इसे फोल्ड कर लेना है पोलोथीन को इस तरीके से। बस एक बार आप अच्छे से फोल्ड कर लेंगे तो फिर आप अच्छे से बना पाएंगे। बहुत अच्छा सा तरीका आपको बताऊंगी, आप मिनटों में बना पाएंगे और बनाने के बाद आपका मन एकदम खुश हो जाएगा कि वाह, एक सिंपल सी पन्नी से हमने बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना लिया है अपने घर के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लेना है, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए अंदर की तरफ से कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा आपको फोल्ड होने के बाद। अब हम करेंगे क्या, जो इसके कोने हैं ना पोलोथीन के, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसे हमें खोलना है पोलोथीन को। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल शेप में ये आ जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके कोने ये निकल जाने चाहिए। यहाँ पर दोनों कोने इसी तरीके से निकले हुए होने चाहिए जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। और उल्टी साइड से देखिए ये कुछ ऐसा होने वाला है। तो आप बना तो इधर से भी सकते हैं लेकिन इधर से थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोशीश लगेगा, इसीलिए आज मैं आपको दूसरी तरफ से बनाना सिखा रही हूँ इसमें, जो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है आपके लिए और आपको अच्छे से ये समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाले जो कोने हैं ना निकले हुए इसके पोलोथीन के, ये हमें अंदर की तरफ को फोल्ड करने हैं क्योंकि अंदर की तरफ इसमें जगह है फोल्ड करने की बीच में से। तो यहाँ पर ही अंदर की तरफ मैं फोल्ड कर देती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। तो यहाँ पर देखिए हमें बस अभी से खोल देना है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से इसका बेस बन के तैयार हुआ है पोलोथीन का, है ना? अब आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरती से मैंने ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना के तैयार कर लिया है। आप इसे बास्केट भी कह सकते हैं पोलोथीन की। अब आपको करना क्या है, इसके बेस में अगर आपको इसे स्ट्रेट रखना है, इनके सीधा रखना है, तो आप इसमें एक कार्डबोर्ड का गत्ता काट के लगा लीजिएगा। इसकी तली से आप नाप लीजिएगा और उतना ही लंबाई चौड़ाई में आप एक गत्ता काट के इसमें बीच में रख लीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा सीधा बना रहे। और वैसे इसमें आप चारों तरफ से गत्ता लगा सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए जो भी गत्ता है मेरे पास, मैं आपको लगा के इसमें दिखा देती हूँ। आप इसमें चारों तरफ से लगा पाएंगे क्योंकि इसमें चारों तरफ से ही जगह है गत्ते को फिट करने की। तो ये चारों तरफ से बिल्कुल चकोर हो जाएगा, ये थोड़ा सा जो मतलब कि मुलायम हो रहा है ना अभी, तो ये मुलायम नहीं रहेगा, मतलब के थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ये रखने के उसमें। वैसे तो यहाँ पर ये अभी भी बहुत अच्छा बन चुका है और अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, किचन में, कहीं पर भी, अपने गोदरेज में आप इसे रख सकते हैं। यहाँ पर अपने हिसाब से आप इसमें सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जैसे बच्चों के मोजे हुए, टाई बेल्ट हुई, या फिर छोटे छोटे कपड़े होते हैं, रुमाल होते हैं, या फिर मेकअप का सामान होता है, या फिर किचन में कुछ सामान डिब्बे वगैरह होते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसमें चूड़ी के बॉक्स रखने वाली हूँ, ये बिल्कुल इसी की नाप का ये बना है एकदम। और एक दो सामान वैसे ही आपको रख के दिखा देती हूँ फिलहाल, तो अपने हिसाब से आप रख लीजिएगा। वैसे इसमें चूड़ी के डिब्बे और आ जाएंगे अभी क्योंकि काफ़ी स्पेस है। तो कैसा लगा फ्रेंड ये ऑर्गेनाइजर मेरा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये अगली टिप्स है, ये जो रस होते हैं ना खाने वाले चाय से, उसी की पोलोथीन है ये। तो मैंने इसकी थोड़ी सी नीचे से बेस है ना हल्का सा कट किया है, यानी कि तली अलग नहीं होनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए नीचे से, इतनी मैंने कटिंग की है। अब जो इसके कोने हैं ना हमें इसे भी निकाल लेना है इस तरीके से, ऊपर की तरफ को फोल्ड करते हुए हम इसमें स्टेपलर पिन लगाएंगे। अगर आपके पास टेप है तो आप टेप भी लगा सकते हैं, या टेप भी नहीं है तो सुई धागे से भी आप एक हल्का सा टाका इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, ये बनने के बाद ना बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ऐसी चीज़ बनाई है जैसे किचन में आप खाना बनाते समय सब्जी वगैरह छीलते हैं तो उनके छिलके वगैरह हो जाते हैं,
तो आप इसमें डालते रहिएगा। और ये वॉशेबल है, यानी कि आप इसे वॉश करके दोबारा से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन की है। यहाँ पर देखिए इसकी तली बहुत ही अच्छे से बन गई है यहाँ पर। अब ये आप जहाँ पर भी रखोगे ना, ये रुड़केगा नहीं, जहाँ पर भी आप इसे रखोगे वहीं पर रख रहेगा। अगला आइडिया है मिक्सी को लेकर। देखिए मिक्सी भी हमारे किचन में यूज होती रहती है, और हम उसे खुला छोड़ देते हैं तो उस पर काफ़ी सारी धूल मिट्टी बैठ जाती है, और जब हम खाना बनाते हैं तो खाने की जो भाप उड़ती हैं ऑयल की, जो मतलब के भाप उड़ती हैं किचन में, तो बहुत सारी चीज़ें चिपचिपी हो जाती हैं। तो आप इसे ढककर रख दीजिएगा किसी पोलोथीन से इस तरीके से, और फिर जब आपको यूज़ करनी हो तो आप पोलोथीन हटा के दोबारा से यूज कर सकती हैं। इससे आपकी मिक्सी गंदी भी नहीं होगी, साफ सुथरी बनी रहेगी। अगली टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके की जो पोलोथीन होती है छोटी वाली पतली वाली है, तो ये मच्छर की स्टिक जो आती है ना उसी की है ये। तो आप इसमें ना इसे धो के रख लीजिए चाहे, तो इसमें ना इस तरीके के टूल जो होते हैं हमारे पास, जैसे पेचकस वगैरह होते हैं, तो आप इसमें करके रखिएगा, क्योंकि बरसात लगने वाली है और इसमें जंग वगैरह आने का खतरा रहता है इस तरीके से। तो आप इसमें पॉलिथीन में करके रखेंगे तो इस पर जंग वगैरह नहीं आएगा। तो कैसी लगी वीडियो फ्रेंड, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।